देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस रूट थ्री कॉस ओमेगा टी। ये किसी SHM की इक्वेशन है, ठीक है, एक प्लैंक है जो वर्टिकल SHM कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन ये है। इक्वेशन थोड़ी अजीब सी फॉर्म में है, इसको SHM की इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब इस 1/2 को, ये वाला जो 1/2 है, इसको लिख देते हैं हम साइन कॉस 60, यानी कि कॉस π/3 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको लिख देते हैं साइन π/3, साइन π/3 कॉस ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई बाई टू तो साथ में चल ही रहा है यहां पे, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके बन जाती है कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी के 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। ये आपकी SHM की इक्वेशन आ जाती है, ये आपकी SHM की इक्वेशन आ जाती है, ठीक। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड कितना आ गया आपका 2, ठीक है। अब ये कहता है कि जो प्लैंक है इस तरीके से, उस पर जो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, ये प्लैंक यहां से लेके यहां तक SHM कर रहा है, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि ओमेगा की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जो मास है जस्ट ब्रेक ऑफ द प्लैंक एंड द मोमेंट फर्स्ट आफ्टर टी इज इक्वल टू गिवन बाय दिस, ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द मास जस्ट ब्रेक ऑफ द प्लैंक, यानी कि प्लैंक से उठ जाए ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या होता है, जब प्लैंक ऐसे SHM करेगा, ठीक है ना, तो जैसे ही प्लैंक का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा, उसी वक्त इस ब्लॉक का और प्लैंक का कॉन्टेक्ट एक दूसरे से हट जाएगा, डिटैच हो जाएगा प्लैंक, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर होती है, ठीक है ना, यहां पे डिसकनेक्शन मतलब कनेक्शन टूट जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि यही एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये किसके बराबर हो जाए जी के, ठीक है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी बाई ए, यानी के जी बाई टू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई रूट ऑफ जी बाई टू, ठीक। अब अगर हमको प्लैंक पे ब्लॉक को मेंटेन रखना है तो ये वाली वैल्यू जी से कम होनी चाहिए, और ब्लॉक को प्लैंक से उठाना है तो ये वाली वैल्यू जी से ज्यादा कर दीजिए, ठीक, वो कंडीशन है। तो एक आंसर तो अपना ये बनता है कि ओमेगा की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये आ गई, ठीक है, जी बाई टू। अब इसने बोला है कि ये मूमेंट कब आएगा, अगर टी इज इक्वल टू जीरो से हम काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या हुआ कि अगर इस इक्वेशन में हम टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू टू साइन जीरो प्लस π/3। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल π/3 पे है। तो मैं इस क्वेश्चन को अब फेजर की हेल्प से सॉल्व करूंगा। देखिए क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, मान लीजिए पार्टिकल इस सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है और उसका प्रोजेक्शन यहां पे SHM करता है, तो एट t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल π/3 पे, ये रहा यहां पे, ये π/3 है, तो इसकी शेडो यहां पे होगी और इस तरफ चल रही होगी, और ये t इज इक्वल टू जीरो वाला टाइम है, ठीक। उसने बोला है कि ये मोमेंट कब आएगा, पहले तो देखते हैं वो मोमेंट है कौन सी कंडीशन है जिससे ये ब्रेक ऑफ कर जाए, ठीक। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी जी के बराबर, जैसे ही एक्सेलरेशन, यही तो है, दिस इज एक्सेलरेशन, ये मोमेंट कब आएगा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर आ जाएगी, तब देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी बाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी बाई टू, तो जी ओवर जी बाई टू यानी के टू,
यानी कि हमको x की वैल्यू चाहिए 2, जो कि एम्पलीट्यूड के बराबर है. कोइंसिडेंटली ये वाली चीज एम्पलीट्यूड के बराबर है. तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू 2, यानी कि यहां से ये पॉइंट वो है जो कि x इज इक्वल टू 2 है. तो पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, यानी कि नेक्स्ट 30 डिग्री ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा. जब 360 ट्रेवल करने में उसको t टाइम लगता है, तो 30 डिग्री ट्रेवल करने में उसको कितना लगेगा, t बाई 12. t बाई 12 का मीनिंग क्या हुआ, t कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा कितना है हमारा रूट जी बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, तो इस वाले 2 से 12 कट के कितना आ गया 6. तो यहां पे हमारा फाइनल आंसर जो बना, फाइनल आंसर बना t इज इक्वल टू पाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 रूट जी. ठीक, तो एक आंसर आपका ये हो गया. ठीक, और एक आंसर रूट जी बाई 2 है और दूसरा आंसर पाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 रूट जी. यानी कि आपका यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यहां पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है यहां पे आपका.